दौसा में यूटीबी बेस पर चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके चलते सोमवार को राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के बैनर तले यूटीबी आधार पर भर्ती किए गए फार्मासिस्ट व लैब असिस्टेंट को वापस ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया है कि कोविड-19 के तहत भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके अनुसार CMHO दौसा के आदेश के मुताबिक 27 मई को फार्मेसी को समेकित मानदेय पर पदस्थापन कर दिया गया। उक्त सभी फार्मासिस्ट और LA ने कार्य ग्रहण कर लिया, लेकिन 6 दिन बाद उनको कार्य से हटा दिया गया। इस विज्ञप्ति में GNM व ANM की भर्ती की गई थी, उन्हें सरकार ने अनुमोदन के बाद ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन फार्मासिस्ट और LA के पदों का अनुमोदन सरकार के पास विचाराधीन है, जबकि कोविड-19 में फार्मासिस्ट व LA का अहम योगदान रहा है। जांच से लेकर वैक्सीनेशन स्टोरेज तक के समस्त कार्यों के लिए आने वाले समय में इन कार्मिकों की आवश्यकता होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जल्द ज्वाइनिंग देने की मांग की है। यूटीबी बेस पे फार्मासिस्ट LA ANM की भर्ती हुई थी यहाँ दौसा CMHO से, तो उसमें सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर सबको ज्वाइनिंग मिल गई थी ANM फार्मासिस्ट एंड LA। अब फिर ANM का अनुमोदन हो गया, उन्होंने वापस ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन LA और फार्मासिस्ट का अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है, उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। टीबी के लिए आए हैं, लैब असिस्टेंट और फार्मासिस्ट दोनों का अनुमोदन अभी इन्होंने किया नहीं है, और ANM और GNM का इन्होंने अनुमोदन कर दिया था, उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है। और लैब असिस्टेंट और फार्मासिस्ट ये हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं, डेली चक्कर काट रहे हैं, और हमारे को अभी कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सर हमको भी जल्द से जल्द न्याय मिले।